Good morning, my dear student. Welcome back to the class. So this video is for class 4th and subject is Maths. Exercise 5.2 is going on. 5.2 का part 1 हमने last video में किया था. Part 2 हम इस video में करके इस exercise को complete कर देंगे. Okay बेटा. So exercise 5.2 का question number 1, 2. A and B we have done in our previous video. A and B. Okay. We have done in our previous video. उसमें क्या करना है बेटा? वैसे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर, लेकिन मैथमेटिक्स में टिक द करेक्ट आंसर हम डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते. वी विल सॉल्व दैम, देन वी विल डिसाइड विच वन इज करेक्ट. सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है. तो मैथमेटिक्स में ये मैं सोचना कि टिक द करेक्ट है तो ये सबसे ईजी क्वेश्चन है. टिक द करेक्ट सबसे टफ क्वेश्चन होता है, बिकॉज आपको क्या करना पड़ता है. नॉर्मल क्वेश्चन में तो एक ही सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन टिक द करेक्ट में हमें 4 पार्ट सॉल्व करने पड़ते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है. सो डोंट वरी, हमने ए और बी कर लिया था, उसके बाद अब करेंगे हम पार्ट सी. पार्ट सी एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट सी, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें से हमारे 3 करेक्ट हैं, एक क्या है इनकरेक्ट है. तो वो कौन सा इनकरेक्ट है वो हम चेक करेंगे. सो फर्स्ट वन इज 9 + 2 = 9 + 1 + 1. तो ये हमें चेक करना है कि दोनों इक्वल्स हैं या नहीं. तो कैसे, ये तो एडिशन है, एडिशन तो सिंपल होता है. 9 + 2 = 11, 9 + 1 = 10, 10 + 1 = 11. तो ये तो करेक्ट है, सो इस पर हम टेक नहीं करेंगे. दिस वन इज करेक्ट. ओके, सेकेंड वन 6 + 0 × 8 6 × 8 + 0 × 8. ओके, सेकेंड पार्ट में हमें ये गिवन है, तो हम इसको सॉल्व करें. ओके, 6 + 0 तो हम प्लस करते हैं, सबसे पहले 6 × 8. ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है ना बेटा, वो एज इट इज आता है, सिंबल भी एज इट इज आएगा. ब्रैकेट में जो नंबर गिवन है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं. ओके, इक्वल्स टू 6 × 8 = 48 प्लस 0 × 8 = 0. क्लियर, 0 × 8 = 0. ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं. 6 × 8 = 48 बोथ वन इज इक्वल, बोथ आर इज इक्वल, दोनों नंबर क्या है इक्वल हैं. तो ये भी क्या है हमारा करेक्ट पैटर्न है. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट वन करेक्ट, सेकेंड वन भी करेक्ट है. अब हम थर्ड वन को सॉल्व करते हैं. जो थर्ड हमें ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज 7 × 4 = 5 = 7 × 4. ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 × 7. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं. देखो कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम ब्रैकेट के नंबर्स को सॉल्व करेंगे. 7 एज इट इज आएगा. मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर आपके पास ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल नहीं है और नंबर दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, सो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल हमें वहाँ पुट करना है. जैसे देखो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है ना 7 एंड ब्रैकेट के बीच में, इसका मतलब यहाँ कौन सा सिंबल आएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन सिंबल आएगा. ओके, 5 × 4 = 20. क्लियर, इक्वल्स टू 7 × 8 = 28 × 5 × 7. 7 × 20 = 140, और यू से 2 × 4 = 40, 0 एज इट इज आएगा. ओके, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 8 = 40, 4
140 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो बेटा ये यहीं तक ही ड्रॉप कर देंगे हम, क्योंकि हमें पता है देखो 140 यहाँ तो हमारे पास 140 है, लेकिन यहाँ हमारे पास 140 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 140 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 980। 14 7 98, सो आंसर इज 940 एंड हियर इज 940। दिस इज नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर? तो हम किस पे टिक करेंगे, पार्ट थर्ड पे टिक करेंगे आप, पार्ट थर्ड इज इनकरेक्ट। क्लियर? पार्ट फोर्थ को भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो हमें सारे करने हैं, तो पार्ट फोर्थ को सॉल्व कर लीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 4। ये तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि इक्वल्स है, बिकॉज हमें पता है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में आप रिवर्स कर लीजिए नंबर्स को तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, सेम ही आता है। 4 13 4 नंबर तो सेम ही आएगा, 13 4 52 एंड हियर इज ऑल्सो 52, तो ये भी क्या है, करेक्ट। तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा हुआ, थर्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए बेटा। आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन के लिए पहले सारे ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू विल डिसाइड विच वन इज योर आंसर। ओके, सबसे पहले आप इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। क्लियर? राइट डाउन इन योर नोटबुक, देन वी विल डू पार्ट डी ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज पार्ट थ्री, ऑप्शन थ्री, सॉरी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, दिस वन इज इनकरेक्ट, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर थ्री है और क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ रहा है वो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बेटा बिल्कुल भी। नाउ पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन, पार्ट डी ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज विच वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 3। ऑप्शन डी में क्या है बेटा, हमें चेक करना है कि विच वन इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट ऑफ ऑल 11, सॉल्व दिस स्टेटमेंट, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33। ओके, तो हम हमारे ऑप्शंस में से चेक करेंगे बेटा कि किसका आंसर 33 आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट 11 प्लस 11 प्लस 11, थ्राइस ऑफ 11, एडिशन रिपीटेशन, एडिशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन होता है, 11 11 22 11 22 11 33, और यू से 11 3 33, 11 प्लस 11 प्लस 11 33 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट कैसे बनता है हमारा, हम रिपीटेशन करते हैं ना, एडिशन का रिपीटेशन करते हैं, टेबल में भी हम क्या करते हैं, एडिशन का रिपीटेशन करते हैं, तो 11 प्लस 11 प्लस 11 33, तो ऑप्शन फर्स्ट इज इक्वल्स टू दिस स्टेटमेंट। क्लियर? लेकिन हम सॉल्व तो सारे पार्ट्स को करके देखेंगे। ओके, सेकंड वन इज 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, 5 टाइम 11, इट मीन्स 11 मल्टीप्लाई बाय 5, रिपीटेशन एडिशन रिपीटेशन ही तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 11 को 5 टाइम लिखा गया है, इट मीन्स 11 मल्टीप्लाई बाय 5 55, तो ये क्या है, इस क्वेश्चन से मैं, इस स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रहा। थर्ड वन ट्वाइस ऑफ 11, इट मीन्स 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22,
this is not equals to 33. So this one is also wrong. And fourth, four time of 11. Okay, so 11 multiplied by 4, 44. This is not, this one is also not matched with the 33. Clear? तो हमारा option first जो है वो हमारे statement से, question के statement से match हो रहा है. Clear बेटा? So इसीलिए अपनी notebook पे write down कर लेंगे last part of this question. बेटा टिक द करेक्ट में आप चेक सबको करेंगे कि हम कौन से आंसर, ऐसे नहीं आपने फर्स्ट पे आंसर आ गया तो वहीं ड्रॉप कर दिया. मे बी और भी ऑप्शंस में हमारे आंसर सेम हो सकते हैं, तो हम मैथमेटिक्स में सॉल्व सबको करते हैं बेटा. क्लियर? लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज पार्ट ई. What is 1 multiplied by 499? What is, देखो E part E जो है वो हम direct check कर सकते हैं, because हम जिस भी number के, हम जिस भी number को 1 से multiply करते हैं, we will get the number itself. ये हमने last video में भी discuss किया था कि अगर हम 1 को किसी number से multiply करते हैं, we will get the number itself. हमारा result जो आता है, हमारा product जो आता है, वो number ही आता है. So 1 multiplied by 499, answer is 499. तो आप चेक कर लीजिए 499 ऑप्शन 3 में है. 399. टिक ऑन ऑप्शन 3, दैट इज 499. क्लियर? सो एक्सरसाइज 5.2 इज कंप्लीटेड. सो योर होमवर्क इज do exercise 5.2 in your notebook and write properly. जो notebooks आती है ना मेरे पास, उसमें से बहुत rare cases में बेटा आप लोगों की handwriting बहुत disturbance है आपकी handwriting में, तो आप जो भी लिखते हैं, मैम तो board पे लिखती है, आपके पास तो notebook अच्छी सी है, आप clear way में लिखेंगे और अपनी नोटबुक को अपनी अपनी ब्रांचेस में सबमिट करा दीजिए, जिससे कि मैं आपका वर्क क्या करूँ, चेक कर सकूँ. ओके बेटा, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.